Hi friends, welcome to Programs Magic. ये वीडियो डेटा टाइप का सेकेंड पार्ट है। पहले वीडियो में हम सीख चुके हैं सभी डेटा टाइप के बारे में, उसके स्पेसिफायर कैसे यूज होता है, किस टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, पर उसमें हमने वॉइड डेटा टाइप नहीं पढ़ा है। तो इस वीडियो में हम वॉइड डेटा टाइप और उसके साथ ही हम मॉडिफायर सीख चुके हैं। तो अब हम सीखेंगे टाइप कास्टिंग, जो डेटा टाइप से ही रिलेटेड है। और ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार या प्रोग्रामिंग सीखते टाइम इसे मिस कर दिया जाता है, तो इसलिए मैं इस कंसेप्ट को अच्छे से समझाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें। फर्स्ट हम वॉइड डेटा टाइप के बारे में सीखेंगे। तो वॉइड डेटा टाइप क्या है? वॉइड डेटा टाइप एक एम्प्टी डेटा टाइप है जिसे हम डिक्लेयर, मतलब कि इसके वेरिएबल को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता। जैसे कि न्यूमेरिकल में हमारा जीरो होता है, तो जीरो जीरो कैसा, मतलब जीरो होता तो इम्पोर्टेंट है, हर जगह यूज होता है, पर जीरो जैसे कि मैं किसी को जीरो रुपए नहीं दे सकता, ये उसी तरह कुछ है। बस आपको यही समझना है। अब जो कि वॉइड डेटा टाइप एक एम्प्टी डेटा टाइप है, पर इसका यूज हर जगह होता है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जिसमें वॉइड डेटा टाइप का यूज ना हुआ हो, भले आप इसे डिक्लेयर ना कर इसका वेरिएबल ना बनाए, पर ये यूज होता ही है। जैसे कि वॉइड मेन, ये वॉइड मेन क्या है, जो आप प्रोग्राम के स्टार्टिंग में हेडर लिखने के बाद जब आप ये लिखते हैं वॉइड मेन, और बाद में इसके कंटेंट में आपका सारा प्रोग्राम होता है जो एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि वॉइड मेन एक ऐसा फंक्शन है जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अब देखो, सेकंड है वॉइड फंक्शंस, मतलब कि हमें ऐसे कई फंक्शंस बनाने पड़ते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न ना कर रहे हो। जैसे कि वॉइड मेन एक फंक्शन ही है, तो वो भी एक एग्जाम्पल है। और फंक्शन वॉइड क्या है, ये पैरामीटर की जगह पे वॉइड लिखा गया है। अगर फंक्शन में हम कोई पैरामीटर नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट वो अनडिफाइनड होता है, पर अगर वॉइड लिखते हैं तो ऐसा माना जाता है कि इसका कोई पैरामीटर नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है ऐसा। और वॉइड पॉइंटर, वॉइड वो एज ए पॉइंटर बहुत यूज होता है, वो आगे हम पॉइंटर के टॉपिक में सीखेंगे। वॉइड को सीखने के लिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स में आपको दिखा देते, तो हम चलते हैं टर्बोसी की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, हम अपने टर्बोसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये एक नॉर्मल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने। अब यहाँ पे अब वॉइड डेटा टाइप का वेरिएबल नहीं बनाया जा सकता, तो हम पहले देख लेते हैं वॉइड ए, ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो पहले देख लेते हैं इसमें एरर है या नहीं है। तो हम डायरेक्टली कंपाइल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए एरर है, साइज ऑफ ए इज अननोन और जीरो, क्योंकि void data type का आप कोई भी variable या declare या define नहीं किया जा सकता। okay, क्योंकि ये null रहता है, null भी नहीं, इसमें ना तो zero हो सकता है और इसका size नहीं पता चलता हमारे turbo C को। okay, friends, अब हम देख लेते हैं कि void function मतलब देखिए, void लिखने से ये कोई value return नहीं करता, कैसे होता है? तो अगर वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो इसमें एरर आनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो वापस हम इसे कंपाइल करते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, वन एरर इज काउंटेड, मेन फंक्शन में एरर है क्योंकि कैन नॉट रिटर्न अ वैल्यू। ओके, पहले ही हम जब यहाँ पे वॉइड डिफाइन कर चुके हैं तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही यूज होता है फंक्शंस को क्रिएट करने में। ओके, चलिए हम एक और फंक्शन क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि void addition का। तो ये पहले यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने, और अब यहाँ पे हम void को डेफिनेशन देते हैं इस फंक्शन की। इसमें हमारे कोई पैरामीटर नहीं होगा, सिर्फ सिंपल सा हम प्रिंट ऑफ में एक, मतलब कि एडिशन जैसे ही टेक्स्ट को प्रिंट करा देते हैं। ओके, जैसे एडिशन है, इसे हम प्रिंट करा देंगे। तो एड फंक्शन को हम कॉल करते हैं। ओके, अब इसे हम कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली रन हो जाएगा।
ओके एडिशन, देखिए फ्रेंड्स void क्या है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर। अब इसी जगह मैं void की जगह इंटीजर लिख दूं, ing, और लिख दूं रिटर्न 1, ठीक है। और यहाँ उसकी डेफिनेशन में मैं कंपलसरी हमें इंटीजर लिखना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइल एरर देगा। ओके सक्सेसफुली रन हुआ, अभी मीन्स कंपाइल हुआ, अब रन होगा। ओके एडिशन है, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा उसको कैच करने के लिए हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं है। इंटीजर हम ए ले लेते हैं, जो ए इज इक्वल टू, ये इसको कैच कर लेगा जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी और फिर प्रिंट कर देगा। दिखा देते हैं इज इक्वल टू परसेंटेज डी, जो कि इसका स्पेसिफायर है, और ए। यहाँ पे पहले कंपाइल करेंगे, ओके अल्टर प्लस F9, सक्सेसफुली रन हुआ, कंट्रोल प्लस F9 रन होगा प्रोग्राम। ओके देखिए फ्रेंड्स, ये दरअसल थोड़ा मिक्स हो गया था, तो वापस एक बार रन करा देता हूँ मैं, जैसे कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। ओके डायरेक्टली रन कर देता हूँ। ओके क्लियर स्क्रीन गेट सी, ये सब कुछ तो है। ओके देखिए फ्रेंड्स, ये सेपरेट दिख रहा है हमें, इज इक्वल टू 1। सो void data type इसके लिए भी बहुत यूज होता है। अब वापस हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं, हमने ये भी देख लिया void main, void function और function void। इसका मुझे आपको एग्जांपल दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, ये बहुत इजी है। void pointer भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर जो कि हम इसे पॉइंटर के टॉपिक में सीखेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे देख लेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और सब्सक्राइब भी कर लें, जैसे कि आगे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टाइप कास्टिंग है, इसे आज हम पूरी तरह से समझेंगे। इसमें ये कई तरीके के टाइप कास्टिंग्स हैं, जैसे इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर करना, डबल भी है, डबल भी होता है, पर ये जो कैरेक्टर टू इंटीजर है ये पॉसिबल काफ़ी 50% मतलब 50% पॉसिबल है, होता भी है और नहीं भी होता, क्योंकि कई बार ये एरर प्रोड्यूस करता है और इसकी जो आस्की वैल्यू होती है उसमें वो उससे एडिशन या फिर जो भी काम लेना होता है वो इंटीजर करने पर ऐसा करने लगता है। इसीलिए हम टाइप कास्टिंग कैरेक्टर को लेकर नहीं करेंगे, पर हम इंटीजर फ्लोट इन डेट टाइप्स के साथ हम टाइप कास्टिंग सीखेंगे। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं टर्बो सी की स्क्रीन पे, और ये एक नॉर्मल प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जिसमें हम इंटीजर ए, इंटीजर के लिए हम आई यूज कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू मैं 12 इसे असाइन करता हूँ, और फ्लोट वेरिएबल के लिए मैं एफ नाम के वेरिएबल में 22 असाइन करता हूँ विथ 43 पॉइंट के साथ। चलिए अब डबल मैं फ्लोट और इंटीजर के साथ कन्वर्सर करके दिखा दूंगा, जिससे आप डबल में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली वैसे ही करेंगे। अब टाइप कास्टिंग की जो सिंटेक्स है वो है कि जब भी आपको किसी में एक्सचेंज करना है तो आपको एक ब्रैकेट में डेटा टाइप का नाम लिखना होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो हम देखते हैं। यहाँ पर जो इंटीजर का वेरिएबल है आई, इसे मुझे प्रिंट करना है फ्लोट टाइप में, और कोई जो वेरिएबल हमने ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे ही डायरेक्टली मुझे प्रिंटअप में प्रिंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम मैं दिखा देता हूँ। ओके फर्स्ट टाइप कास्टिंग, ओके इंटीजर टू फ्लोट। ओके अब यहाँ पे हम लिखेंगे एफ, ओके और जो कि आई एक फ्लोट वेरिएबल नहीं है,
वो एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। पर जब टाइप कास्टिंग के यूज, यहाँ पर हम टाइप कास्टिंग के थ्रू हम इसे फ्लोट की वैल्यू प्रिंट कराया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे ये रूल के हिसाब से यहाँ पे हमने ब्रैकेट बनाया और हमारा जो डेटा टाइप है उसे हमें कन्वर्ट करना है फ्लोट में, तो हमें फ्लोट डेटा टाइप लिख देना है। अब यहाँ पे हम कंपाइल करेंगे, अगर टाइप कास्टिंग हमारी सही होगी तो हमें फ्लोट में वैल्यू का आउटपुट मिलेगा। तो पहले हम अल्टर प्लस F9 करेंगे कि वर्डिंग है कि F यूज़ नहीं हो रहा है। ओके, तो हम थोड़ी देर के लिए ये लाइन को कमेंट में डाल देंगे, फिर कंपाइल करेंगे। डैम मीन्स रन कर दिया मैंने। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये है 12.00, ये फ्लोट वैल्यू हमें दिखा रहा है आउटपुट में कि हमने टाइप कास्टिंग यूज़ की है। अब सेम हम फ्लोट के साथ भी यही करेंगे, हम फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग टाइप कास्टिंग। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे F है तो हमें चाहिए, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए होगी फ्लोट से, तो यहाँ पर सिर्फ हमें एक्सचेंज करना है, इधर फ्लोट टू इंटीजर करना है। ओके, और हमें फ्लोट नहीं इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो D लिख दिया मैंने। और यहाँ पे I की जगह हमारा वेरिएबल का नाम है F और हमें कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इंटीजर लिख दिया। अब मैं पहले कंपाइल करूँगा। ओके, कोई एरर नहीं, तो मैं रन कर रहा हूँ डायरेक्ट। ओके फ्रेंड्स, देखिए टाइप कास्टिंग कितना इफेक्टिवली वर्क करता है। अब बड़े बड़े प्रोग्राम्स में टाइप कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, अब ये हमारा टाइप कास्टिंग का टॉपिक भी खत्म हो रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि टाइप कास्टिंग कैसे यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे कि आगे की आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, बाय।